السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبارك، وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم अलहमसा महमदूला महमद वबारक वसलम रबली सदरी वयसरली अमरी वाहल़ुदतमिलसानी अफ़ाह कवली वजायली वज़ी अमिन आहली आमीन या रब आलमी कुरानी हकीम में तीसरे पारे में सुर आलमरान का आगाज़ होता है और उसकी आयात चौदह त सत्रह की मैंने आपके सामने तिलावत की है इन आयात का मफहम कुछ इस तरह है फरमाया कि जयिर शहवा लोगों के लिए मरगूबात दुनिया उनकी जो महब्बत है वो मज कर दी गई दुनिया की चीज़ों की महब्बत मुजीन कर दी गई है मिनन नसाई वलबन औरतों की महब्बत जैसा कि और बेटों की वल़ना तिलमुकम तरत मिन जहर वलफबा और सोने और चाँदी के ढेरों के ढेर इनकी महब्बत वलैलमसमती वनआाम वहर्फ और निशान जदा घोड़े और जानवर और खेती इसकी महबत लोगों के लिए मरगूब कर दी गई मुजीन कर दी गई जाल का मताउल हयाती दुनिया ये दुनियावी ज़िंदगी का हकीर सा सामान है व्न दसनलमाब और अल्लाह ताला के पास तो बेहतरीन है ठिकाना भी है कुल और फ़रमाइए इन लोगों से क्या मैं तुम्हें बताऊँ इससे बेहतर क्या है जन्नत जिन लोगों ने अपने रब का तकवा उनके लिए बागात हैं जन्नत तजरीन तहतिहार जिनके नीचे से नहरें जारी हैं खालदीन फ़ीहा वो उनमें हमेशा रहेंगे व अजवाजु मतहरा और उनके लिए पाकिज़ा जुड़े होंगे वरिद्वान मिनल्ला और अल्लाह के तलब से रजामंदी खुशनुदी का एलान भी व्ला बशीर मिलाद और अल्लाह तला बंदों को खूब देखने वाला है अल्लादीन यक़ुल वो ये हैं ये मतकीन और जन्नत वाले जो यूँ कहते हैं और अर्ज़ करते हैं रब बना ए हमारे रब फमन्ना हम ईमान लाए इन ना आमन्ना बेश हम ईमान लाए फ़िर लना रुनू बना बस हमें हमारे गुनाह बख्श दे वकीना नार और हमें आग के आदाब से बचा ले वो सब्र करने वाले हैं वादक वो, वो सच्चे हैं वलवानेटीन और वो फरमाबरदार हैं वलमनफ़ीन और वो वफ़ाक़ यानी खर्च करने वाले हैं वलमस्तफीन अबिलसहार और सहरी के अकात में सहर के अवात में वो जो सुबह सादिक से पहले का वक्त है इन औकात में इस्तफ़ार करने वाले हैं अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फ़रमाए इन आयात में बहुत सारे मौजूद हैं पहली बात तो है ये कि ये दुनिया है और अल्लाह ने यहाँ हमें पैदा किया और इस दुनिया में अल्लाह ने वसाइल भी रखे हैं और उनके इस्तेमाल की तरगीब भी दिलाई है और बंदों में कुछ चीज़ों की महब्बत अल्लाह ताली ने रख दी है और उसकी हमत यह है कि ये घर घर हस्ती का निज़ाम और ये दुनिया का निज़ाम चलता रहे अलबत् ये जो दुनियावी महबतें हैं इनकी हमत भी है इनकी ज़रूरत भी है अलबत् ये आर्जी मामला है दुनिया आर्जी मामला है इससे बेहतर और बेहतरीन मामला वो आखरत के ठिकाने के अतबार से फिर बताया जा रहा है कि वो आखरत का ठिकाना उनके लिए वहाँ कामयाबी जो तकवा की रविश इख्तियार करें खौफ ख़ुदा दिल में हो अल्लाह के नाफरमानी से बचते बचते ज़िंदगी गुजारें और दुनियावी रवैये भी इख्तियार करें दुनियावी मामला को भी अंजाम दें दुनियावी ताल्लक़ात महब्बतें उनसे भी वो मुतालिक रहें तो तखवा इख्तियार करते हुए इनके लिए अल्लाह फरमाते कि जन्नत उसकी नहरें पाकिज़ा जोड़े इनके लिए वहाँ होंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा के अलान ऐसे लोगों के लिए होगा ये जन्नत पाने वाले मतकीिन हैं इनकी सफ़ात आगे बयान हुई ये ईमान रखते हैं अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश का सवाल करते हैं और अल्लाह सुखान तौला से जहन्नम की आग उससे बचने का सवाल करते हैं आज गर्मी की शिद्दत पूरे मुल्क में है कहीं 38 एट और फोर्टी है और कहते हैं फील लाइक फिफोर्टी फाइफ है तो कहीं 48 एट और फोटी नाइन और फिफ्टी की प्रोडक्शन भी है और कहीं इतना चल भी रहा है ये दुनिया की गर्मी है लेकिन बहरहाल दुनिया आर्जी है तो दुनिया की गर्मी और उसकी शिदत भी आर्जी है आख़रत दाइमी है हमेशा के लिए है अगर वहाँ कोई जहन्म में पड़ा होगा तो वहाँ की गर्मी और आदाब और उसकी शिद्दत भी दाइमी है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए ये ईमान वाले ईमान लाते भी हैं अल्लाह से बख्शिश का सवाल भी करते हैं और जहन्नम की आग से बचने की अल्तजा भी करते हैं सिर्फ़ दुआएँ नहीं करते दवाएँ भी करते हैं जन्नत पाते हैं यानी पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनतें करते हैं और जन्नत वालों के औसाफ भी इख्तियार करते हैं और वो ये हैं कि वो सब्र करते हैं सच्चाई पर क़ायम रहते हैं और फर्माबर्दारी की रविश पर जमे रहते हैं और राह खुदा में ख़र्च भी करते हैं और रातों को उठ कर अल्लाह के हजूर इसतार का अहतमाम भी करते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको इन लोगों में शामिल फ़रमाएँ अब आइए इन आयात का थोड़ा मुख, मुख्तसर मुताल करते हैं इस एक छोटी सी तमहीद के बाद फरमाएँ के जुयन बुशहवात लोगों के लिए मरगूबात नफ्स इनकी जो महब्बत है वो मजन की गई है और ये महब्बतें कौन कौन सी हैं औरतों के तल्ल से बेटों के तल्ल से सोने चांदी के ढेरों के तल्ल से इसी तरह निशान जदा घोड़े बड़ी दौलत थी उस वक्त और इसी तरह और मवेशी माल मवेशी हम भी कहते हैं और ये खेती फसल वग़ैरह ये जो मोहब्बतें गिनवाई गई हैं इनकी अपनी एक हमत है अल्लाह ताला ने इंसान में एक जज्बा रखा है जिसको हम नस भी कहते हैं जिसकी तकमील के लिए निकाह का पाकिज़ा रास्ता अल्लाह ताला, ताला ने आता फरमाया और जिना को हराम करार दिया क्यों जिना का रास्ता तो बीमारियों की तरफ भी ले जाता है गंदगी की तरफ भी ले जाता है घर की तबाही घर बनता ही कहाँ है जिना के नतीजे में माशरा गंदगी का ढेर बनता है लेकिन निकाह के नतीजे में घर बनता है घर घर हस्ती के मामला चलते हैं जोजैन में अल्लाह ने मददत और मवदत और रहमत रखी है तो उसे अपनी निशानी करार दी अल्लाह ताला तनायात अल्लाह अल्लाह की निशानियों में से है बहरहाल सबसे पहले अल्लाह तरतों की महब्बत का जिक्र किया और कोई शक नहीं है मरदों में औरतों के तालों से कशिश रखी गई और अल्लाह के नबी सलाम ने यह भी फ़रमाया कि मैंने अपनी उम्मत के लिए कोई फ़ितना यानी मर्दों के लिए कोई फितना औरतों के फितनों से बढ़कर नहीं छोड़ा और अल्लाह के नबी सलाम ने दुआ भी सिखाई है कि अल्लाह मनी आओ बुबी का मिनफ़न ऐ अल्लाह में तेरी पनाह में आना चाहता हूँ औरतों के फितनों से बहरहाल यही मोहब्बत जो रखी गई है अगर ये सही रुख पर ना रहे तो जिना की तरफ बंदा जाता है जो गंदगी का ढेर है कबीरा गुना है और अल्लाह के आदाब को दावत देने वाली बात है तो ये जज्बा रखा है अल्लाह ने मर्दों में औरतों के तालस से कशिश रखी अल्लाह सुखान वाली ने और ये निकाह का पाकिजा रास्ता अता किया है अल्लाह ताला ने और ये फिर अल्लाह ही ने जज्बा बंदे में रखा कि बहरहाल वो शादी के नतीजे में निकाह के नतीजे में मशक्क़तें तो झेलेगा यानी अगर ज़रा सादा अंदाज में बात की जाए जिसको इंग्लिश में हम लाइटर मोड कहते हैं अगर सादा अंदाज में बात की जाए तो बहरहाल बंदा देखता है दूसरों को अपने वालिद को बंदे ने देखा होता है अपने चचा को देखा होता है माशरे के और लोगों को देखा होता है अब कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे कि निगाह के बाद क्या कुछ बीतती है इंसान पर यह घर घर हस्ती के मामला चलाना घर घर हस्ती के मामला चलाना कोई आसान बात तो नहीं है मगर ये जज्बा रखा है अल्लाह ने और इन सारी मशक्क़तों को बंदा झेलता है फिर औलाद है बेटों की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत रखी गई क्यों इसलिए कि बहरहाल बुढ़ापे में औलाद सहारा बनती है कोई माधूरी आजादी औलाद सहारा बनती है इसी तरह घर घर हस्ती के मामला चलते हैं तो ये जो निकाह के ताल्लुक़ से यूकई की तकमील के ताल्लुक से एक जज्बा रखा गया इंसान में बड़ा पोटेंट भी है और बड़ा प्रोडक्टिव भी है, और बड़ा पर्पसफुल भी है बासद है शदीद जज्बा है लेकिन निकाह का रास्ता शरीयत ने अता किया जिससे घर वजूद में आते हैं माशरे तामीर होते हैं औलाद हासिल होगी तो ये घर वसी होगा माशरे को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर हमें डॉक्टर्स भी चाहिए इंजीनियर्स भी चाहिए उस भी चाहिए और दीगर फील्ड्स के लोग भी चाहिए कहाँ से आएंगे इंसान ही इंसानों ने ये काम करना है ना तो ये अल्लाह ने शदीद जज्बा रखा जो निका के जरिए पूरा होता है और फिर इसके नतीजे में घर घर हस्ती के मामला माशरे चलते हैं आगे जो है सोने चांदी की ढेर मुराद माल की महब्बत इसी तरह खास जिस तनादुर में कुरान नादुर हो रहा है जिस माहौल में वहाँ माल मवेशी का मामला फसल का मामला आज भी है पंजाबी में सराइकी में तो मवेशियों को माल ही कहा जाता है ना और बहरल केटल फार्मिंग एक बहुत बड़ा गोशा है मीशत को चलाने के अतबार से अभी हमारे यहाँ क़ुरबानी का वक्त करीब आ रहा है अरबों का बिजनेस उसके अंदर हो जाता है तो ये माल मवेशी इनकी मोहब्बत भी है शहरों में अगर जायदाद मुख्तलफ नौत की है तो देहातों के अंदर ये जानवरी सबसे बड़ा माल हुआ करता है ये सब कुछ क्यों है इस माल को अल्लाह ताला ने सबब बनाया है हमारे मामलाते दुनिया को चलाने के लिए मार्केट्स बनेंगे बिजनेस होगा कुछ सेल करेगा कोई परचेस करेगा कमाई होगी तभी अपनी हाजात भी बंदों की पूरी होंगी माशरा भी चलेगा ये सारी चीज़ें बजा हैं ये घर घर हस्ती के मामला ये बीवी बच्चों के मामला ये कारोबार करने के मामला ये नौकरी करने के मामला ये मीशत को चलाने के लिए सारी चीज़ें जरूरी हैं क्यों ये दुनिया अल्लाह ने बनाई और इस दुनिया के मामला को अल्लाह ताला असबाब के तहत चला रहा है अलबत्ता फरमाया दार ही का मताउल हयाती दुनिया ये सारा कुछ क्या है ये दुनिया की ज़िंदगी का की मता है मता का तर्जमा तो हम करते हकीर सा सामान और इसको कई एतबार से समझाया गया किसी अरब आ, की एक मिसाल दी गई कोई कौवा आया और ये खातून ने कपड़ा जो कि ख़राब हो गया था नापाक हो गया था उसको धोकर लटकाया कहीं सूखने के लिए अब आप गौर करें वो कपड़ा जो नापाक हो और उसको जब धोया जाए तो उस वक्त बदबू और आती है फिर सूखता है तो वो बदबू ख़त्म होती है उसने वो लटकाया और वो कव्वा वो कपड़ा लेके चला गया कबे चीजें उठा कर ले जाते हैं उससे कहा मेरी मता के चला गया ये तो मेरी मता लेके चला गया हकीक शह है और लेकर चला गया यहां से भी लफ्ज़ मता को समझें तो ये सारा दुनिया का मामला ये माल असबाब ये दौलत ये खदान ये ढेर ये बजा ये एक हकीकत है मगर ये असल हकीकत नहीं है ये एक रियलिटी है ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है ये एक असेट लगता है एक असासा लगता है मगर ये असल एसट ये असासा नहीं है गाली का मताउल हयात दुनिया ये दुनिया की जिंदगी का हकीर सा सामान है किस कंपैरिज़न में बात आ रही किस मवाजने में फरमाया हुस्नुल आब और अल्लाह ताला के पास तो बेहतरीन ठिकाना है दुनिया जगा दिल लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है ये आर्जी है हमने कितने लोगों के जनाजे पड़े कितने लोगों को अपने हाथों से दफन किया कुछ लेके गए वो लोग कोई कफन में जेब होता है नहीं होता कोई पैसा रुपया कोई चांदी के सिक्के सोने के सिक्के कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता सामने की बात है हमारे निगाहों के सामने की बात और अल्लाह की किताब भी बता रही है हाँ दीन बड़ा प्यारा है जब हम इस दीन के ताबे होकर सिर्फ नमाज में नहीं जुम्मे की दो रकत में नहीं पंज वक्ता नमाज में नहीं रमदान के तीस दिन और उम्र के इक्कीस दिन और हज के चालीस दिन का इस्लाम नहीं टोटल इस्लाम हर मामले में अपने आप को झुका कर चलेंगे तो हाँ हदीस में आया अगर किसी की बीवी है और अल्लाह की वो बंदी नेक है तो हदीस में आया कि ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत सबसे बड़ी नेमत नेक बीवी है अब बाज़ लोग हसरत करते हैं कि हमारी बीवी तो नेक नहीं है तो खुद बनोगे तो बनेगी ना खुद दीन पर चलोगे तो चलेगी ना तुम दीन को तरजीह बनाओगे तो वो भी दीन की तरजीह बनाएगी ना तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा साथ देगी ना तो नेक बीवी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत करार दिया औलाद के बारे में हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ की रिवायत बंदा चला जाता है उसकी मौत वाक हो जाती है उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है नाम अमाल बंद हो जाता है तीन कामों के सिवा एक सदका जारिया का अमल जिससे मखलूक खुदा को मुस्किल फायदा मिले दूसरा वो इल जो दूसरों को पहुंचाया सिखाया जिससे लोग उसके मरने के बाद भी फायदा उठाएं और तीसरा नक औलाद जो वालदान के लिए दुआ करने वाली हो मरने के बाद भी औलाद हमारे लिए अजर का बायस बनेगी तो इसी औलाद को पहनाएं खिलाएं सब कुछ करें जायज़ तरीके पर यही कि औलाद की जायज़ ना जायज हर बात पूरी हो रही आईफोन अगर मेरी औलाद के पास नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा महरूम आदमी हूँ इन्ले ला व इन अब उसके ये लच्छन पूरे करने के लिए उसके ये तकादे पूरे करने के लिए हराम में मुँह डाला जाए तो यही फितना है कुरान कहते हैं ना इन नमा अमवाल व औलादुम फितना तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद फितना है आजमाइश के ज़रिया है तो औलाद की जायज़ तरीके पर किफालत करें उसको अल्लाह की बंदगी की तरफ़ लाएं मोहम्मद मुस्तफ़ा आसलम की नुमाइंदगी की तरफ़ लाएँ उम्मती बनाएं यही औलाद हमारा सबसे बड़ा एसेट है हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए दुआ करेगी अजर का बायस बनेगी हमारे लिए यह है दीन का मामला दीन की ये तालीम है लेकिन इसके बरक्स बीवी बच्चे घर वाले उनकी जायज़ नाजाइज हर ख्वाहिहिश पूरी हो रही और वो अल्लाह के अहकाम को तोड़े हमारे चेहरे का रंग तब्दील भी ना हो यानी वो टी वी की स्क्रीन एल सी डी की स्क्रीन स्मार्टफोन की स्क्रीन तोड़े तो गुस्सा आए मगर वह अल्लाह का हुक्म तोड़े और हमें गुस्सा ना आए तो इसका मतलब है कि दीन हमारी तरजीहत में नहीं दीन हमारी प्रायोरिटी में नहीं लेकिन दीन तरजीहत में हो और दीन के मुताबिक घर वालों की किफ़ादत करें उनकी जायज़ हाजात को जायज़ तरीके पर पूरा करें और उनको दीन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें यही हमारे रिश्या जा रही आखरत का एसट और आख़रत का सरमाया ये औलाद ये घर वाले बन जाएंगे इन इसी तरह माल है हलाल पर कमारे हराम पर यह हमारा इम्तहान है हराम का कमा रहे तो ये जहन्नम के अंगारे हदीस में आते हराम से पला हुआ जिसम जहन्नम का मुस्क है वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा और इसके हलाल कमाने वाला हदीस मात अलकासिब अल्लाह का दोस्त है अब ये हम पर है कि हलाल से कमा रहे हराम से हराम की जायदाद हराम की बिल्डिंग हराम के प्लाजा खड़े हों तो कबर में एक टका नहीं जाने वाला बहरहाल तो ये तस्वुर क्लियर रहे और सवाल होने के क़यामत के दिन माल कहाँ से कमाया माल कहाँ खर्च किया तो दुनियावी ये मामला चलेंगे असबाब के तहत ये महबतें बजा हैं और ये म, बा मकसद हैं, मगर शरीयत के ताबे रहकर दीन के ताबे रहकर लेकिन आखिरी बात बहरहाल क्या है मतल दुनिया ये दुनिया की जिंदगी का हकीर सा समान है वहन आब और अल्लाह के पास तो बेहतरीन ठिकाना है में से कितने लोग फिक्रमंद हैं कि हम और हमारे घर वाले जन्नत में साथ हों हमें से कितने लोग फिकरमंद हैं कल क्यामत के दिन हमें जिल्लत ना उठानी पड़े हमें से कितने लोगों को यकीन है कि दुनिया आरजी और फ़ानी चंद्रोदा है और आख, आखरत दायमी है और क्या हमारा एटीट्यूड हमारा तर्ज आमद ये सबूत पेश कर रहा है कि हम आख़रत के तलबगार हैं क्या मैं अपनी औलाद के सामने डिस्कशन करता हूँ तो मैं किन लोगों को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट करता हूँ किन लोगों बड़े कमाल के लोग हैं बड़े ज़बरदस्त लोग किन लोगों को दुनिया परस्तों को या आखरत के तलब को वही मैं अपनी औलाद की तरबियत कर रहा अल्लाह मुझे और आपको आखरत का तलबगार बनाए दुनिया है मगर आरजी है दायमी है और आखरत हकीकी है यकीनी है और दाइम दुनिया आर्जी है फ़ानी है चंद रोदा है आखरत दायमी है आखरत हमेशा हमेशा के लिए है सादा सा जुमला हम बड़े अच्छे लोग हैं समझदार लोग हैं बड़ा प्यारा सा जुमला किसी बुज़ुर्ग ने समझाया कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया की फ़िक्र करो और मैं एक लफ्ज़ का इजाफा करूँ टेंशन उतनी लो जितनी दुनिया में रहना हमने और जितना आखरत में रहना उतना आखरत की फिक्र करो सादा सी बात है दो दो चार की तरह जितना दुनिया में रहना उतना दुनिया की फिक्र करो मैं इजाफा कर रहा हूं टेंशन उतनी ही लो और जितना आखरत में रहना उतना आखरत की फिक्र करो और आखरत की टेंशन लो सादा सी बात है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए अगली आयत में फरमाया कुल ए नबी आलिया फरमा दीजिए औ उकुम बिखैर मिन ऐ लोगों मैं तुम्हें बताऊं इससे बेहतर बात क्या है जिस दुनिया में तुमने दिल लगा रखा है जिस दुनिया को तुमने मतलूब बनाया जिस दुनिया को तुमने सब कुछ समझ लिया जिसके पीछे तुम दौड़े चले जा रहे हो जिसके पीछे तुम दीवाने हो गए हो जिसी के अंदर तुम डूब चुके हो इसके मुकाबले में क्या बेहतर है मैं तुम्हें बताऊँ अल्लाह अपने हुजू अपने नबी साम से हम, के जरिए हमें समझा रहा है फरमाया तक इंदौर जन्नात जिन लोगों ने अपने रब का जिन लोगों ने इख्तियार किया उनके रब के पास उनके लिए बागात हैं तखवा क्या है बार बार ये जिक्र आता है दिल में अल्लाह का खौफ रहना कि मुझे मैंने मुझे और आपको हमें मौत आनी है अल्लाह हमें देख रहा है और कल हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अल्लाह को हमने जवाब देना है हम लाग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना लें बना सकते हम अल्लाह के सामने नहीं चल सकते हमारी हमारी ये चीटिंग हमारा ये आर्ट हमारा ये हाथ दिखाना दुनिया में चल सकता है मखलूक को बेवकूफ़ बनाने में अल्लाह के सामने नहीं चल सकता

मेरा अल्लाह मेरी किसी हरकत से नाराज ना हो जाए और बचते बचते गुनाहों से बचते बचते नाफरमानी से बचते बचते ये पूरी ज़िंदगी का तर्ज अमल है अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह को ना मानने वाला दोनों में फ़र्क होता है ये जो दरमियान दरमियान का मसला है ना मुनाफिकत वाला ये भी चलेगा नहीं अल्लाह के यहाँ अल्लाह का मानने वाला अल्लाह का ना मानने वाला अल्लाह की इताअत करने वाला अल्लाह की नाफरमानी करने वाला बराबर नहीं हो सकते तर्ज अमल से पता चल जाएगा बंदे मोमिन की चाल बताती है अल्लाह को मानता है उसका किरदार बताता है कि वह अल्लाह को मानता है उसके मामला बताते हैं कि वह अल्लाह को मानता है उसकी डीलिंग बताती है कि वह अल्लाह को मानता है वो हाथ नहीं करेगा किसी के साथ झूठ नहीं बोलेगा झूठा वादा नहीं करेगा छुपाएगा नहीं ये है किरदार पूरी जिंदगी का इनके लिए जन्नत अल्लाह की जन्नत सस्ती नहीं <clears throat> महीने की तरखा जान लगाए बगैर मिलती नहीं बच्चों के ए प्लस ये स्टार्स जान लगे बगैर रिजल्ट आता नहीं अल्लाह की जन्नत फ्री में तो नहीं मिलेगी ना भाई तो ये तकवा पूरी ज़िंदगी का रवैया इनके लिए क्या है फरमाया लिल्लदीन तको जिन्होंने तकवा इख्तियार किया जन्नात उनके रब के यहाँ उनके लिए बागात हैं तजरीम इमताहतिहल अनहार जिनके नीचे नहरें जारी हैं खालदीनफीहा वो उनमें हमेशा रहेंगे ये नहरों का जिक्र भी कुरान पाक सूरह महम्मत में करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ शफाफ पानी की नहर भी जिसका रंग कभी तब्दील नहीं होगा यू यूँ कहिए इसका जायका कभी बदलेगा नहीं साफ शफाफ दूध की नहरें भी साफ शफाफ शहद की नहरें भी और पाकिज़ा शराब की नहरें भी ये चार का जिक्र सूर महमद में आता है सल्ला फिर नहर कौसर भी तो है ना अल्लाह के पैगम्बर फरमाते सल्ला दूध से ज़्यादा जो है वह बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा उसका पानी और दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा अल्लाह अकबर और ने फरमाया सैदन उमर को रजी ऐ उमर उस पर बड़े बड़े परिंदे जिनकी गर्दनें ऊँटों की गर्दनों की तरह होंगी वो पी रहे होंगे इनसे ईमान वालों को भी पिलाया जाएगा तो फिर हजरत उमर अर्स कहते हैं यारसल्ला कितना मज़ा करेंगे वो परिंदे जो पी रहे होंगे वहाँ से तो हजूर फरमाए आए उमर सोचो ये परिंदों का गोश्त जब आहल ईमान खाएँगे तो वह कितने मजे करेंगे खुदा के कसम जन्नत का तारफ़ हमारे सामने नहीं आता अल्लाह के रसूल ने खोला है अदादी से मुबारक में कुरान ने भी खोला है शौक़ नहीं पैदा होता हमारे अंदर अल्लाह मुझे और आपको यकीन अता फरमाए फरमाए कि जिन्होंने तकवा उनके रब के हाँ इनके लिए बाग़ात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं ख़ौरदी नफीहा वो उनमें हमेशा रहेंगे वह अजवाज व मुकहरा और उनके लिए पाकिज़ा जोड़े हैं ज़ोज जोड़ जोड़े को कहा जाता है ज़ोज की जमा अजवाज यानी शोहर बीवी के लिए बीवी शोहर के लिए ज़ोज़ तफसीर उसकी ये भी बयान की गई है अगर दुनिया में एक मर्द नेक है और बीवी बदकार है या नाफरमानी पर है तो अल्लाह ताला इस नेक मर्द को बेहतर जोड़ा आता फरमा देगा बीवी दुनिया में फरमा बरदार है शहर नाफरमान है इस बीवी को अल्लाह ताला जन्नत में दूसरा बेहतर मैच आता फरमा देगा और सुबह अल्लाह शौहर बीवी दोनों नेक हों अल्लाह तला जमा फरमा देगा अल्लाह ऐसे घराने हमें आता फरमाए बहरहाल मसीद भी इसमें तफसील है और मुताहरा पाकिजा का जिक्र आया जन्नत पाकीज़ा मकाम है जन्नत में कोई आ, शर का पहलू नहीं होगा नाफरमानी का पहलू नहीं होगा नेगेटिविटी की बात नहीं होगी ये तो दुनिया में है अच्छे भले दीनदार भी हैं नमाजें भी अदा करते हैं मगर मंजर ऐसे सामने आ जाते हैं सारा तकवा बैठ जाता है अल्लाह हिफाजत फरमाए तो भारत जन्नत क्या है वो पाकिजा मकाम है वहाँ जोड़े भी क्या होंगे पाकिज़ा जोड़े होंगे अल्लाह हम सब को फिरदौस अता फ़रमाए ज़रा घर वालों के साथ बैठ के सोचें कि हम लोग जन्नत के शौक़ीन है कि नहीं बात करें ना घरों में हम अपने क्या जन्नत में जाना और अल्लाह को पाना और अल्लाह की रज़ा को पाना ये हमारा मतवाही नजर हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा हदफ हमारा टारगेट है कि नहीं क्या हम और हमारे घर वाले इस मामले में ऑन बोर्ड हैं हम अपने आप को और अपने आप अपने घर वालों को जन्नत में वाकआता देखना चाहते हैं और क्या हमारी फ़िक्र में टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में ये जन्नत का तस्कर और जन्नत के हसूल का मामला भी कोई अहमियत रखता है कि नहीं कोई क्या ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए

और उनके अमल में कमी नहीं करेंगे पढ़िए इस आयत को यह तूर है सत्ताईस पारा सूरज तूर की आयत इक्कीस माँ बाप ईमान पर औलाद ईमान पर यह फिक्र होनी चाहिए बच्चे की मैथ्स कमजोर है फिक्र है बच्चे का ईमान कमजोर है परेशानी है बच्चे की इंग्लिश कमजोर है टेंशन है बच्चे की नमाज कमजोर है कोई परेशानी है और तो करें ईमान तरजीह अव्वल है घर से कुछ या चोरी हो गई घर में डाका पड़ गया घर में चोरी हो गई घर में से कोई शायद गायब हो गई बड़ा परेशानी का मामला ईमान लुट जाता है इसकी फिक्र है दीन चला जाता है घर से इसकी फिक्र है चेक तो करें बहरहाल फरमाया मुताहरा और उनके लिए रिपाकीजा जोड़े हैं वरिदवान मिनल अल्ला। और अल्लाह की रजा है आखिरी दो नेमतें जो जन्नत में मिलनी बहुत कुछ जन्नत में है असल तो हदीस में आता है माला वला सामियात वला ख़तर अला कल भी बशर न किसी आंख ने कभी देखा ना किसी कान ने कभी सुना न कभी कि किसी दिल में उसका ख्याल भी कभी आया होगा अन इमेजिनेबल है जन्नत तसव् ही मुमकिन नहीं तभी तो जन्नत जन्नत है नियाग्रा फॉल है मैं जा नहीं सकता मैं इंटरनेट पर देख लूंगा स्विटरलैंड के खूबसूरत पहाड़ है मैं जा नहीं सकता मैं इंटरनेट पर देख लूंगा आई कैन इमेजिन रेमबो कलर्स के पहाड़ चाइना के अंदर मैं जाकर नहीं देख सकता मैं पिक्चर्स में देख लूंगा वीडियो में देख लूंगा आई कैन इमेजिन मैं तस्वर कर सकता हूं उन चीजों का जहां जा नहीं सकता तस्वर कर सकता हूं लेकिन अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत में वो कुछ तैयार किया न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना ना किसी के दिल में उसका ख्याल भी कभी आया होगा अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए बहरहाल आखिरी दो नियमतें क्या हैं सेकेंड लास्ट आखिर से पहली वाली क्या है अल्लाह पूछिएगा बंदों से और क्या चाहिए जन्नत वाले या अल्लाह तूने जहन्नम से बचाया तूने जन्नत अता फरमा दी इतनी कुछ नेमतें दे दी अल्लाह अब क्या बचा अब अल्लाह अपनी रजा का ऐलान फरमाएगा मिन अल्लाह और अल्लाह की रजा होगी मैं तुम सबसे राजी हमेशा के लिए राजी मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँ लास्ट वन आखिरी क्या है अल्लाह अकबर अल्लाह हिजाब को हटाएगा पर्दे को हटाएगा और अपना दीदार अपने बंदों को कराएगा चौदवी का चांद निकला बुखारी शरीफ की हदीस अल्लाह के रसूल फरमाया कि मेरे साहबा देखते हो और इसकी देखते हैं। इसके देखने में कोई शक कोई शुबा कोई रुकावट यार रसूल्ला कोई शक नहीं कोई शुबा नहीं कोई रुकावट नहीं का ऐसे अपने रब का दीदार करो द लास्ट वन नॉट द लीस्ट वन बट द लास्ट वन अल्लाह अपना दीदार कराएगा बंदों को शौक है हमें यकीन है फिक्र है जिसको मानते हैं मान मानते बिन देखे उसको सजदे कर रहे हैं आज उसके दीदार का शौक़ अल्लाह अकबर जन्नत का एक गोता जिस बंदे मोमिन ने लेना है ना यानी बड़ी मशक्क़तें उठाई पहले भी हदीस से बयान हुई एक गोता जन्नत में लेगा बंदा तफसीरी हदीस है तो दुनिया की सारी मशक्क़तें भूल जाएगा जब जन्नत में होगा तो उसकी राहतों का आलम क्या होगा और जब अपने रब का दीदार करेगा तो आलम क्या होगा खुदा की कसम ये दुनिया की सारी तकलीफ़ें ख़त्म जन्नत के गौते पर तो जन्नत वहीं बंदा होगा तो उसका आलम क्या होगा और अल्लाह का दीदार मिलेगा तो उसकी राहतों का आलम क्या होगा ये वो शे जो आज खुदा की कसम हम मिस करते हैं अल्लाह मुझे और आपको यकीन अता फरमा और अमल की तोफीक फरमाए आगे फरमाया व्ला वसीबाद और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है कौन दुनिया का तालब है कौन आखरत अल्लाह देख रहे हैं कौन अल्लाह के वादों पर यकीन करके आज बिन देखे उसको मानकर कर उसका तकवा कर रहा है अल्लाह देख रहा है अल्लाह देख रहा है जिस जो बंदा उसके तकवा पर लग गया उसकी फर्माबरदारी पर आ गया मशक्कत झेल रहा है परेशानियां देख रहे अल्लाह देख रहे तसली है परेशान ना हो ये दुनिया आरजी है ये वक्त गुजर जाएगा और कल तुम्हें अल्लाह की राहतें मिलेंगी जन्नत में और कौन दुनिया का तलबगार बनकर आखरत को फरामोश करके दुनिया में डूबकर ना में लगा हुआ अल्लाह उसे भी देख रहा है अल्लाह का देखना ये दोनों अहबार से है फरमा बरदारों के लिए तसली और ना फरमानों के लिए के तंबी और वार्निंग का दुआएं करते हैं क्या ए हमारे बेशम ईमान लाए ईमान बड़ी न बड़ी नमत है, है अल्लाह की देखिए उन गैर मुस्लिमों को सुन बल्कि उन रिवर्टेड मुस्लिम्स को सुने नौ मुस्लिम नए नए इस्लाम लाने वाले पता है वो क्या कहते हैं हम पैदाइशी मुसलमानों को तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे मां बाप कलमा पढ़ के दुनिया से गए तुम कम से कम अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हो हमें परेशानी कि हम ईमान ले मां बाप ईमान नहीं लाते अगर ये कुफर पर चले गए हम दुआ भी नहीं कर सकते उनके लिए अल्लाह के कदर तो करें दूसरी बात क्या है आगे अल्फाज आ रहे हैं। लना ए हमारे बेशक हम ईमान लाए फ़गोरना बस हमें हमारे गुनाह बख्श दे ईमान के बग़ैर निजात नहीं है अल्लाह के यहाँ कामयाब होने के लिए ईमान शर्त है फिरौन के पास सब कुछ था ईमान नहीं था गरक हुआ और अल्लाह ने निशान इबरत बनाया कर जहन्नम में जहन्नमियों का लीडर होगा अबू जहल के पास सब कुछ था सरदारी थी चौधराट थी सब कुछ था माल वगैरह था ईमान नहीं था वो में लीडर बनेगा यानी कुछ लीडर होंगे ना जहन्नम में बड़े बड़े वो आगे होगा सारे पीछे उसके फॉलोअर्स आ रहे होंगे क्या नहीं था इन लोगों के पास ईमान दौलत है शोहरत है इकतदार है कुर्सी है माल है सब कुछ है ईमान नहीं अल्लाह के यहाँ निजात के लिए पहली शर्त ईमान तो क्या कह रहे हैं और अब बना इन ना आमन्ना हमारे बेशक हम ईमान लाए फिर लना जुनू बना बस हमें हमारे गुना बख्श दे ये मुत्तकी लोगों का बयान हो रहा है मुत्तकी किसे कहते हैं गुनाहों से बचने वाला और गुनाहों से बचने वाले इस्तिगफार करते हैं हमारा ख्याल है कि गुनाह पर इस्तिगफार होती है फकत हमारा ये ख्याल है ना गुनाह हो जाए तो इस्तिगफार करो वो भी ठीक है लेकिन ना ईमान वाले तखवा वाले भी इस्तिगफार करते हैं और सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फर्ज नमाज का सलाम फेर कर पढ़ते अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 फिर अस्त फिर इमाम व लंबिया पढ़ रहे वो तो आप मासूम हैं उम्मत को कि मासूम होकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम अल्लाह के सामने झुकने के बाद भी इस्तफार कर रहे हैं कि मालिक कमी रह गई है तो पूरा कर ली ये हजूर की आजज है तो उम्मत देखे कि उम्मत को इस्तेगफ़ार का कितना अहमाम करना चाहिए अब मुझे बताएं क्या जहन कुरान बनाता है बंदे का क्या तरबियत कुरान बंदे को देता है ये पढ़ने वाला और ये मानने वाला और इस पर अमल करने वाला कभी अपनी नेकी पर अकड़ दिखाएगा बड़ा नमाजी बड़ा हाजी बड़ा रोज़ेदार बड़ा माल खर्च करने वाला वो भाई इसको फिक्र लगी है पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा कुरान ये जहन बनाता है मेरा और आपका कुरान ये तरबियत मुझे और आपको देना चाहता है वरना इबादत का तकबर बहुत बड़ा तकबर है अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए ना क्या दुआएं हो रही हैं और बना इन नना आमन्ना ए हमारे बेशक हम ईमान लाए फिर लना जुनू बना बस हमें हमारे गुना बख्श दे वक़ीना आज़ाब नार और हमें आग के आज़ाब से बचा ले कौन सी आग जहन्नम की आग दुनिया की आग अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए दुनिया की आग में जला हुआ भी रिकवर कर जाता है और कभी मौत भी वाकई होती लेकिन जहन्नम की आग के बारे में सूर्य नस्ाह के आए छप्पन में अल्लाह ताला फरमाता है एक मरतबा खाल जलेगी बदलना हम जुलूद हम गई रहा यदूक बार बार उनकी खाल को हम बदलेंगे ताकि मुस्तकिल वो जहन्नम की आदब का मजा चखते रहे और अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है जहन्नम की आग दुनिया की आग से उनहत्तर गुना सिक्सटी नाइन टाइम्स ज्यादा है नॉट पर दुनिया की आग से उनहत्तर गुना सिक्सटी नाइन टाइम्स ज्यादा है जहन्नम की आग बाकी दुनिया की गर्मी से बचने के लिए कोई एसी लगाता है पंखा लगाता है रूम कूलर मना नहीं है भाई ये बात नहीं हो रही बात यह हो रही कि क्या इस गर्मी की शिद्दत को जो हम महसूस कर रहे हैं तो क्या जहन्नम की आग याद आती जहन्नम का खौफ हमें रुलाता है जहन्नम की शिद्दत हमें परेशान करती और हम क्या हमारी औकात क्या मोहम्मद मुस्तुफा सुबह दुआ करते मरतबा मुझे आग से बचा ले शाम में सात मरतबा लहमा जिर नी मिनारी मिनन्नार एल्ला मुझे आग से बचा ले ए मुझे आग से बचा ले तो सोचे कि आपको मुझे जहन्नम की आग रुलाती उम्मत की माँ मिशरदी अल्लाह त एक दिन अल्लाह के रसूल ने देखा तो उनके आंसू निकले हुए थे अल्लाह के रसूल ने पूछा आयशे तुम क्यों रोती हो हमारे यहां औरतें क्या मर्द रोते हैं घर छोटा है बड़ा नहीं फ्लैट है बंगला नहीं अब किराए का है अपना नहीं मोटरसाइकिल है गाड़ी नहीं गाड़ी है तो पुरानी है नहीं नहीं स्मार्टफोन है तो फड़ा एंड्रॉयड है आई आईफोन नहीं और आईफोन है तो पुराना वाला है यही रोना है ना ब क्या करें गुजारा नहीं होता पचास लाख ही खर्च किए बच्ची की शादी पे मैं डीएचए में बैठकर कर ये बात कर रहा हूं जरा पुल के उस तरफ चले जाएं भाई भाई क्या करें गुजारा नहीं हो रहा पंद्रह बीस लाख के खर्च कर पाए बड़ा सादा मामला हो हमारी बच्ची के हाथ पीले करने का उनको देखो उन्होंने एक करोड़ खर्च किया था हमारे यहां औरतों क्या मर्दों के आंसू इस पे निकलते हैं और उम्मत की माँ का रोना किस बात पर है उम्मत की मां के घर में दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था उम्मत की मां का घर का लिविंग स्टैंडर्ड कभी। उम्मत की माँ ने एक दिन कहा कि मेरे पास अल्लाह के रसूल आए फजर के बाद और नाश्ते को पेश करने को कुछ नहीं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई बात नहीं मैं रोजे की नीयत कर लेता तो क्या अम्मा बीवी भी तो है बीवी पे क्या गुजरी होगी इसका छोटा हुजरा अल्लाह के रसूल हालत सजदा में तो अम्मा कहती मैं अपनी टांग को खड़ा करती हूं सजदाता की नमाज का कितना तवील था हुजूर का और जब हुजूर सजदे से क्या तो क्या बहुत तवील तो मैं टांग सीधी करती थी इस लिविंग स्टैंडर्ड पर मेरी और आपकी मां को रोना नहीं आया अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों रोती हो तो अम्मायशा ने अर्ज कि मुझे जहन्नम की आग के खौफ ने रुलाया है मुझे जहन्नम की आग के खौफ न रोलाए हमारा रोना किस पर हम देखें और पैगंबर के घराने का रोना किस बात पर हम देखें और कुरान क्या कहलवा रहा है वकीना आदाब नार और ए हमारे रब हमें आग के आदाब से महफूज शर्मा इसी आयत पे इक्तफ़ा करते हैं ये दुआ करते हुए कि अल्लाजर नन्नार ए अल्लाह हम सब को आग के आदाब से महफूज शर्मा इन शसी और मौके पर कलाम होगा एक दो बातों की बस्तव दिला नहीं फ़लस्तीन और गजा के मामले पर अब हम ये कहें कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है तो ये जुमला भी पुराना है और इस वक्त जो उम्मत के ख़ास तौर पर मुतदर तबक़ात की बेहसी वो भी हमारे सामने है और जो ख़बरें आ रही हैं वो और परेशान कौन है मगर वो मुसदा नहीं इससे हम बातें नहीं कर सकते आपके सामने कि हम तो प्लान करके बैठे हुए कि अमेरिका के सामने झुककर हमने इसराइल को भी कबूल करना है और हमने इसराइल की भी हेल्प करनी है और इसराइल को भी हमने साजो सामान देना है या जरिया बनना उसका इला वा लिया राजू मगर ये मुसदा बात है नहीं है इससे हम इसको खोल कर बयान नहीं कर सकते मगर हम इतना भी करने की शायद इजाज़त नहीं दे रहे कि इस्लामाबाद में सबका सैनिटर मुश्ताक साहब और उनकी अहदिया कुछ हजरात ने गजा के मुसलमानों की हमायत में मुजाहरा भी किया और एक ऑफ sort of लगाया चंद पर एक गाड़ी आती है और रोंदा डाला बार बार रोंदा है बताया गया है दो की शहादत भी हो गई बड़े पढ़े लिखे और जहीन नौजवान थे उसमें कई लोग जख्मी हुए हैं और बताया गया कि वहां की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी और कैमरे भी बंद थे बंद थे या बंद किए गए हैं ये सवाल यह निशान है पुलिस वहां पर खड़ी हुई मुझे नहीं पता कि वो 144 लगाने की वजह से खड़ी है तो ये गजा के मुसलमानों की हिमायत में मुजाहिरा करने वाले को आपकी पार्लियामेंट पर हमला करेंगे क्या कर रहे हैं आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे कौम को क्या हम ये आवाज दबा देंगे और बताया जा रहा है मेरे घर में तो टीवी नहीं है ना मुझे कोई ज्यादा शौक है इन चीजों की तरफ खबरें पहुंच जाती है बहरहाल कि हमारा स्टेट मीडिया भी खामोश है इस पर भाई एक खबर बनी है दो अफराज शहीद हुए हैं गाड़ी एंटर हुई है बार बार उसे रोंदा है पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने खड़े रहे हैं स्ट्रीट लाइट वहां की बंद कर दी गई कैमरे बंद कर दिए गए तो ये क्या आखिर क्या मैसेज आ रहा है इसकी तहकीकत तो होनी चाहिए मगर ये कि कोई मैसेज हमें दिया जा रहा है कि आवाज भी कोई उठाएगा तो हम बंद कर देंगे इन्ना इन्ना हम तो समझते कि आवाज और बुलंद होनी चाहिए जो सात महीने से हम भी बात कर रहे हैं कि हमारे मुखदर तबकात की तरफ से बुलंद आवाज़ को आनी चाहिए मगर नहीं आ रही है तो अल्लाह हमारे मुखदर तबकात को हमारे हुकमरानों को होश के नाखुन लेने की तोफ़ी दे बजाय इसके कि आगे बढ़ कर हम कोई बुलंद आवाज़ उठाएं और कोई ज़ोरदार हमारी आवाज़ इस इस्लामी एठमी पाकिस्तान से उठे हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि इस तरह के वाक़ हो रहे और उसकी कवरेज से भी शायद रोका जा रहा है लोगों को या मीडिया को तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि इम्तिहान गजा के मुसलमानों का भी है और इम्तिहान मेरा और आपका भी हो रहा है वो तो कामयाब हो रहे हैं जाने पेश करके इसके बाद कुछ उनके पास बचता नहीं है हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे मैं आप हम सब अब बिलखसूस हमारे हुक्मरान और हमारे मुखदर तबक़त ये इनको सोचना चाहिए अल्लाह ताली हमारे हाल पर रहम फरमाए और उम्म का दर्द और उसके लिए आवाज़ को बलन करने और अमरी इकदाम की तरफ आगे बढ़ने की तोफ़ी अतः फरमाए वाखर दावानादिल्हि औरबिला